लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रहम नजर करो अब मोरे साए, रहम नजर करो अब मोरे साए, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो अब मोरे साए। बंदा तुम्हारा, बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू अल्लाह इलाहे, अल्लाह इलाहे, रहम नजर कर अब मोरे साए, रहम नजर कर अब मोरे साए। अल्लाह मालिक। ओम साई नाथाय नमः। साई भक्तों, लगता है शिरडी में विराजमान बाबा अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करने के लिए संसार की यात्रा करते रहे। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी बाबा की कृपा का ऐतिहासिक दस्तावेज है। शिवाल जी, मम्मी पापा सो गए क्या? हाँ, पापा का शरीर बुखार से तप रहा था, उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं उनके पैर दबा रहा था तब वो सो गए। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, अगर पापा आवाज दें तो मुझे बुला लेना, मैं टेरेस पे कपड़े सुखाने जा रही हूँ। जी मैम। बेटा सतीश, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, मुझे अपने घर ले आओ बेटा, कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, भूलना नहीं, मुझे अपने घर जरूर ले आना। अल्लाह मालिक। सुनिए सुनिए जी, देखिए आपके पास कोहली साहब और बद्री भैया आपको मिलने के लिए आए हैं। कौन थे वो? किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, किसी की नहीं। कोहली साहब, नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है शर्मा जी। तबीयत तो वैसी ही कोहली साहब, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। भगवान दुश्मन को भी टाइफाइड की बीमारी न दे। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? कंप्लीट बेड रेस्ट और ढेर सारी दवाइयां, ना खाना अच्छा लगता है गोली साहब, और ना ही बिस्तर पर दिन भर। ये मेरे पकवान, मेरे वाहे गुरु हैं शर्मा जी। ये शिरडी के साईं बाबा हैं, जिन्हें अपने भक्तों का सबसे ज्यादा ख्याल रहता है। ये मेरा मौला अपने भक्तों की तकलीफ दूर करने के लिए भागा भागा चला आता है। साईं बाबा, ये तो आपके साथ साक्षात है कोहली साहब, मुझे भी इनके अभी दो बार दर्शन हुए। आप साईं बाबा को मुझे दे दीजिए कोहली साहब, मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं शर्मा जी, मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता, ये मेरे बाबा हैं, मैं आपको साईं बाबा का दूसरा पिल्ला ला कर दूंगा। कोहली मेरे बच्चे, मैं तो तेरे दिल में समाया हुआ हूं, मूर्ति और चित्रों में ही मुझे ना ढूंढते रहो नरेंद्र। मेरी भक्ति करने वालों को एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जो दूसरों का ख्याल रखता है ये फकीर उनका ख्याल रखता है। मैं समझ गया भाई प्रोची, मैं समझ गया, जो हुक्म मेरे मौला
कोहली साहब, क्या हुआ कोहली साहब? कुछ नहीं बद्री भैया, कुछ नहीं। शर्मा जी आप बाबा को अपने पास ही रखिए, बस इनकी सच्चे मन से सेवा करिएगा। लेकिन कोहली साहब, आप तो मुझे दूसरा बिल्ला लाकर देने वाले थे ना? शर्मा जी, बाबा को मैं आपको क्यों दे रहा हूं ये तो मैं आपको नहीं समझा सकता। बस आप इतना समझ लीजिए कि मेरे मौला की हर लीला बड़ी निराली है, वो इस वक्त खुद ही आपके पास आना चाहते हैं। और एक बात तो पक्की है शर्मा जी, इस वक्त से आपकी हर परेशानी समझो खत्म है। ओम साईं यशकाय श्री शिरडी वासिने नमः। सतगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये डॉक्टर खट्टर की दवा का नहीं, साई के कृपा का चमत्कार है। तू बिल्कुल सच कह रहा है शिवान। रजनी, कल से मैं ऑफिस जाऊंगा और हमारे साथ जाएंगे हमारे साई बाबा। जय हो साई बाबा की। ऑफिस निकल रहा हूँ। अरे आ गए आप, आज आपने बहुत देर कर दी। पापा? 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 पापा आप कहाँ गए? कहाँ गए मेरे देवा? देवा आप कहाँ गए? जब मैं ऑफिस से निकला था तो पापा तो मेरे साथ नहीं थे, और कोहली साहब ने भी उन्हें प्रणाम किया था। लगता है बिल्ला कहीं रास्ते में गिर गया है। तुम ऐसा करो, जल्दी से मुझे टॉर्च दे दो, मैं अभी देख कर आता हूँ। जल्दी करो। ठीक है। बाबा, मेरे देवा आप कहाँ गए? कहाँ गए देवा? कहाँ गए आप? अब शिवाल को साथ में लेके जाइए, आज आप पैदल आए थे ना? हाँ, आजा बेटा शिवाल, जल्दी कर। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं मम्मी, हमने पापा के ऑफिस तक ढूंढा लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। पापा कहाँ हैं? आ रहे हैं। ठीक है, तुम अंदर जाओ। क्या हुआ तुम्हें? रजनी, पापा हमसे दूर चले गए। खत्म हो गया रजनी, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ उजाड़, वीरान और नीरस लगता है। लगता है रजनी, हम अपनी सेवा से बाबा को प्रसन्न नहीं कर पाए। जब बाबा ये चले गए तो वो मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? नहीं, अब परेशान मत होइए। बाबा अपने भक्तों से कभी दूर नहीं जा सकते। हो सकता है जैसे वो कोहली साहब को माध्यम बनाकर आप पर कृपा करने आए थे, वैसे वो किसी और पर कृपा करने चले गए हो। कोहली साहब ने बाबा को अपने हाथों से मुझे दिया था, मुझसे तो बिना कुछ बताए ही चले गए। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया रजनी, सब कुछ खत्म हो गया।
लेकर खुशियां लेकर आए थे, पर अब ऐसा मत बोलिए। सुबह एक बार फिर से देख लेना, शायद आपको बाबा मिल जाए। मिलना होता तो इसी वक्त मिल गए होते रजनी, इसी वक्त मिल गए होते। तो फिर ये समझ लीजिए कि बाबा की मर्जी, अब चलिए और खाना खाइए, रात बहुत हो गई है। नहीं नहीं रजनी, तब तक मैं अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा जब तक कि मुझे मेरे साईं बाबा नहीं मिल जाते। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा प्रण है रजनी, इस वक्त मैं सिर्फ साईं बाबा का ध्यान करूंगा। पापी हूं बाबा, आप खुद मेरे घर पर आए और मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है भगवान, मुझे सजा दो, मुझे कठोर दंड दो साईनाथ। अरे पगले, तू मेरे दंड का नहीं, मेरे आशीर्वाद कृपा और स्नेह का पात्र है। आप मेरे घर को छोड़कर क्यों चले गए देवा? तू मूर्ख है बेटा, जो सोचता है मैं कहीं चला गया हूं। अरे बावले, मेरा स्थान तेरे दिल में है। जब भी तू सच्चे मन से अपने भीतर झांकने की कोशिश करेगा, ये फकीर तुझे मिल जाएगा। देख बेटा, इस दुनिया में मेरे लाखों करोड़ों भक्त हैं और उनका दुख दर्द दूर करने के लिए मुझे अलग अलग रूप में उनके पास जाना पड़ता है। मैं समझ गया देवा, पर देवा क्या आप अब मेरे पास कभी नहीं आओगे? तेरी भक्ति भावना ने मुझे प्रसन्न किया है पगले, इसलिए एक बार मैं फिर तेरे पास आऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे एक वायदा करना होगा। कैसा वादा भगवान? तूने जो अन्न त्याग का प्रण किया है उसे त्याग दे। देवा? बेटा, तू भूखा रहेगा तो तेरा ये साई तड़पता रहेगा, तेरा कल्याण हो, अल्लाह मालिक। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। रजनी, रजनी, क्या हुआ? जल्दी से खाना लगा दो। क्यों, बिल्ला मिल गया क्या? नहीं, मुझे मेरे साईनाथ मिल गए, मुझे मेरे देवा मिल गए, मुझे मेरे साईनाथ मिल गए रजनी। कोहली साहब, आप बहुत सही समय पर आए। बाबा की कृपा से हमारे बेटे शिवाल ने हायर सेकेंडरी में टॉप किया है। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वेरी गुड बेटा, बाबा ने हम पर बहुत कृपा की है। और बाबा से मिलवाने वाले आप ही हैं कोहली साहब, इसलिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम ही है। नहीं भाभी, मैं तो उनका अदना सा एक भक्त हूँ। सच पूछिए तो साईं खुद ही आपके घर आना चाहते थे, बहुत दयालु हैं, सबके मन की बात जानते हैं और बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। वैसे एक काम बाकी है। क्या? शर्मा जी, जरा फूल दीजिए। क्यों भाई? अरे दीजिए तो। ये लीजिए। शिवाल बेटा, जरा खड़े हो जाओ। बेटा, ये फूल तुम्हारी सफलता के लिए है और इसी तरह हम सबका नाम ऊंचा करते रहना, ठीक है? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, गले लग जा। देवा, आपकी कृपा से मुझे जीवन की हर खुशियां मिल गई, अब सिर्फ आपके दर्शनों की कामना है। अपना वादा पूरा करो देवा, मेरे घर लौट कर वापस आ जाओ। बम बम भोले, बम बम भोलेनाथ। बाबा सुखी रहो। सुनो बेटा, आज ये साधु अन्न मांगने आया है, बाबा को भोजन मिलेगा। क्यों नहीं बाबा, पधारिए।
बम बम भोले नाथ, बम बम भोले। बाबा नीचे ऊपर बैठिए बाबा। बाबा भूमि पर ही बैठते हैं। बेटी जरा जल्दी कर। बाबा रसोई तो तैयार है, पर मैं आपके लिए अलग से शुद्धता से रसोई बनाऊंगी। तो वही दे दे बेटी जो तैयार है। बाबा को ट्रेन पकड़नी है। जो आ गया बाबा। कहाँ जा रहे हो बाबा? मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई से एक भक्त का पैगाम आया था, उससे मिलकर त्र्यंबकेश्वर जाऊंगा। कभी शिरडी गए हैं बाबा? शिरडी तो रोज ही जाता हूँ, बस आंखें बंद कर ली शिरडी पहुंच गया। बम बम भोले। लेकिन बाबा आप तो भोलेनाथ के भगत हो ना। शिव और साई में भेद कैसा बच्चा? जिसके मन में दूसरों का कल्याण छुपा हो वही कल्याणकारी शिव है और वही फकीर साई। वाह बाबा कितनी सुंदर बात कही है आपने। आओ बेटी। जी बाबा। जय भोलेनाथ। रसोई का स्वाद इतना अच्छा है, मन करता है यहीं रह जाऊं। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। बेटी पानी पिलाओगी? हाँ बाबा। ये फूल तुम्हारे पूजा घर में रखो, शाम को सूरज ढलने के बाद इसका दर्शन करना। जब तक ये फूल तुम्हारे घर में है समझ लो मैं तुम्हारे घर में हूं। लो अब बाबा प्रस्थान करेंगे। बम बम भोले। बाबा ने फूल दिया था उसके दर्शन भी तो करना है। हाँ मुझे भी वो फूल देखना है। शिवाल कहाँ है? वो अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहा है। उसे बुला ले। आप आ गए और मैं मूरख आपको पहचान भी नहीं पाया। देवा आप धन्य हैं साईं, आप धन्य हैं। आपकी जय हो देवा, आपकी जय हो। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जय साईनाथ महाराज की। आपका परिवार अड़ोस पड़ोस ऐसे किसी भी साईं भक्त के साथ बाबा की घटना घटी हो तो हमें तुरंत लिख के भेजिए। हम उस घटना को इस धारावाहिक में शूट करके आपको प्रस्तुत करेंगे।
हमारा पता है शिरडी साई बाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 17517, मोतीलाल नगर नंबर 1, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई 400104। विजिट टू ज्वाइन अस www.shirdisaibabafoundation.com। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू अल्लाह इलाह।